हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हूड कौन थे, इन्हें खुदा का कहर क्यों कहा जाता है, क्या है इनका इतिहास और ये भारत क्यों आए। इन सभी तथ्यों के विश्लेषण के साथ शुरू करते हैं अपने टॉपिक हूड कौन थे और इनका इतिहास क्या है। तो देखिए दोस्तों कि हूड खानाबदोश जंगलियों का क्या था, एक समूह था। ये मंगोल जाति के थे जो सीथिनों की एक शाखा थी। ये लोग पूर्त असभ्य जंगली बर्बर थे तथा युद्ध से उनको बड़ा प्रेम था। लूटमार करना उनका पेशा था तथा सैनिक जीवन बिताने में ये गौरव का अनुभव करते थे, यानी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। ये जिस क्षेत्र पर आक्रमण करते थे उसे समूल नष्ट कर देते थे। इस कारण इतिहास में इन्हें खुदा का कहर कहा गया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको खुदा का कहर क्यों कहा जाता है। तो याद रखना है कि हूर लोग असभ्य होते थे, जंगली थे, बर्बर थे और ये जिस भी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देते, वहाँ पे जवान युवा औरतें सभी को मार देते थे, उसको पूर्णतः लूटपाट करके उस क्षेत्र को क्या कर देते थे, बिल्कुल बर्बाद कर देते थे। इस कारण इनको क्या कहा गया है, इतिहास में खुदा का कहर कहा गया है। इसके अलावा ये असभ्य और जंगली बर्बर थे, इस कारण इनको जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ भी कहा गया है। याद रखना है आपको कि मलेच्छ किन्हें कहा जाता है, तो हूणों को ही कहा जाता है, जूनागढ़ अभिलेख में इनको कहा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि हूण लोग थे ये चीन के पड़ोस में तिब्बत घाटियों में निवास करते थे और इनका साम्राज्य फारस से खोतान तक फैला हुआ था, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बमनियान थी। इसके बाद में देखिए क्या होता है कि यहाँ से ये लोग हूर लोग पश्चिम की ओर बढ़े, ठीक है, अपने बमनियान जो राजधानी थी इनका भारत से खोतान तक ही फैले हुए थे। उसके बाद में पश्चिम की ओर बढ़ने लगे और बढ़ने के बाद में ये अपने आगे बढ़ने के बाद में दो भागों में बट गए, यानी इस स्थान से निकले, इस स्थान से निकलने के बाद में दो हिस्सों में बट गए और कुछ लोग तो क्या चले गए, यूरोप चले गए और कुछ लोग भारत और ईरान चले गए, ठीक है। यहाँ से समझने वाली बात यह है, जो लोग यूरोप गए थे वो उन लोगों को काले हूड कहा गया और उनका महान नेता एटिल्ला था। जो लोग ईरान और भारत की तरफ आए थे उनको श्वेत हूड कहा गया और ये एपेथलाइटस भी कहलाते हैं इतिहास में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि हूड़ों का प्रथम भारत पर प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त क्या है, गुप्त वंश के एक शासक थे, महान सम्राट भी हुए हैं। इनके समय हूणों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था और उस समय हूणों का जो नेता था वो खुशनवाज था, ठीक है। ये श्वेत हूण थे भारत आने वाले, ये भी याद रखना है। स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का वर्णन भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अवस्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में क्या हुआ कि हूणों का दोबारा आक्रमण हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त ने उन हूणों के आक्रमण को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। फिर हूणों का दोबारा आक्रमण हुआ और उस समय किसके नेतृत्व में हुआ, तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ था। तोरमाड़ क्या है, हूणों का राजा था। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद तोरमाड़ हूणों का प्रथम शासक था जिसने भारत के मध्यवर्ती भागों पर अपना विजय अभियान किया था। तोरमाड़ के पुत्र का नाम मिहिरकुल था जो एक शक्तिशाली शासक था। यह शैव धर्म का क्या था, कट्टर उपासक था और बौद्ध धर्म का क्या था, एक कट्टर विरोधी शासक था। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि मिहिरकुल को भारत का अटिल्ला, यानी मैंने अभी बताया था अटिल्ला वही शासक है जो कहाँ पे गए थे, जो लोग यूरोप गए थे काले हूड, उनका जो महान नेता था अटिल्ला वो यूरोप का अटिल्ला है। उसी की उपाधि किसको दी गई, हमारे भारत में, भारत के इतिहास में मिहिरकुल को दी गई। इसको क्या कहा गया, भारत का अटिल्ला कहा गया, बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला कहा गया और मूर्ति भंजक कहा गया। ये मूर्तियों को क्या करता था, तोड़ता था, इस वजह से इसको मूर्तियों का भंजक यानी मूर्तियों का भक्षण करने वाला भी कहा गया। इसने बौद्ध धर्म पर क्या किए थे, काफ़ी जुल्म ढाए। और उसके बाद में क्या होता है कि मिहिरकुल को पराजित करने का श्रेय मालवा के शासक यशोवर्मन तथा मगध के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य को जाता है। याद रखना है कि मिहिरकुल को किसने पराजित किया था, यशोवर्मन ने पराजित किया था जो मालवा के शासक थे, और मगध के गुप्त शासक थे नरसिंहगुप्त बालादित्य, इसने भी क्या किया था, मिहिरकुल को पराजित किया था। जो मालवा के शासक यशोवर्मन थे इनको, इनके बारे में इतिहास में कहा जाता है कि इन्होंने मिहिरकुल से अपने चरणों की क्या करवाई थी, वंदना करवाई थी। तो इतिहास में याद रखना है कि किस शासक ने, हूर शासक मिहिरकुल से अपने चरणों की वंदना करवाई थी, तो आपको बता देना है यशोवर्मन ने करवाई थी। उसके बाद में क्या होता है कि चीनी यात्री सुंगयुन जिसने 515 से 20 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा की थी, उसने क्या किया, अपने सामयिक हूर शासक के विषय में लिखा है कि उसका वंश दो पीढ़ियों से गांधार पर शासन कर रहा है। सुंगयुन के अनुसार हूणों का पहला शासक कौन था, तिगिन था।
ये बात याद रखनी है, जिसने गांधार पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इस प्रकार हूणों ने क्या किया, भारत में अपना शासन स्थापित किया और ये क्रूरता पूर्वक क्या करते थे, भारत में लूटपाट करते थे, अपना शासन स्थापित करते थे। लेकिन हूणों को पराजित करने का श्रेय गुप्तों को जाता है और गुप्तों में भी स्कंदगुप्त को जाता है। ये हूणों को हराने वाला क्या था, पहला शासक था। तो याद रखना है बात। अगले पॉइंट में अगर हम देखें कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित जो राजवंश था वो गुप्त राजवंश था। ठीक है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में उसके साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण हुआ। तो याद रखना है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे भारत पर। ठीक है, स्कंदगुप्त क्या है, एशिया तथा यूरोप का पहला शासक था जिसने हूणों को पराजित किया था। ये बात याद रखनी है, पूरे एशिया तथा यूरोप में हूणों को किसी ने भी पराजित नहीं किया था। भारत के महान शासक थे स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम हूणों को पराजित किया था। इसके बाद में देखिए कि जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को क्या कहा गया है, मल्लेच्छ कहा गया है। तो आपको याद रखने वाली बात क्या है कि हूण कौन थे, एकदम असभ्य बर्बर जंगली जातियों का एक समूह था। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, गुप्त वंश के काल में किया। उस समय स्कंदगुप्त भारत के क्या थे, गुप्त वंश के राजा थे। इन्होंने हूणों को पराजित किया। हूणों के महान राजा हुए थे भारत में, एक तोरमाण हुआ, एक मिहिरकुल हुआ। ठीक है, मिहिरकुल को भी पराजित करने का श्रेय किसको जाता है, यशोवर्मन को जाता है और नरसिंहगुप्त बालादित्य को जाता है। हूणों के आक्रमण से सर्वाधिक विचलित होने वाला राजवंश कौन सा था, गुप्त राजवंश था। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जूनागढ़ अभिलेख में इनको क्या कहा गया है, मल्लेच्छ कहा गया है। और ये जिस भी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे उसको संपूर्ण क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। इस कारण इनको खुदा का कहर भी कहा गया है। ये थी हूणों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां ऐतिहासिक रूप से। तो ये आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।